दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही खूबसूरत प्लान के, जैसा कि आपने स्क्रीन पर देखा होगा 36x36 में। और ये पूरा मॉडल मैंने डिजाइन किया, बहुत ही बेहतरीन सा और सिंपल लो बजट मॉडल है 36x36 फिट का। ये एक बेहतरीन सा मॉडल मैं आपके सामने आज डिफाइन करूंगा। हमारे सब्सक्राइबर लगातार कमेंट करते रहते हैं कि सर ग्रामीण क्षेत्र के लिए एक बेहतरीन सा मॉडल और दीजिएगा, तो इसी को मैंने एक नए लुक में, एक नए डिजाइन में, मैंने घर तो बहुत सारे बना रखे बट हर एक में कुछ ना कुछ डिजाइन चेंजमेंट रहता है, तो इसमें भी आपको एक नया लुक देखने को मिलेगा। तो आज जो मॉडल हम डिस्कस करेंगे 36x36 का, उसे पूरा आज हम प्रॉपर तरीके से आपके सामने एलिब्रेट करने वाले हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आपने हमारे स्मॉल हाउस प्लान को दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लें, साथ साथ बेल आइकन जरूर दबा दें, इससे पहले आने वाले सभी वीडियो आप लगातार देख सके। स्मॉल हाउस प्लान दोस्तों ऐसा एक इकलौता चैनल है जो लो बजट किफ़ायती घर बनाकर आपको देता है। आपको YouTube पर चैनल तो बहुत सारे मिल जाएंगे और आपको वहाँ पर बहुत सारे बेहतरीन मॉडल मिलेंगे, लेकिन उनका बजट बहुत ओवर बजट हो जाता है जिससे लोग घर नहीं बनवा पाते हैं। लेकिन यहाँ पर मैं बेस्ट प्लान देता हूँ, बेस्ट फ्रंट एलिवेशन देता हूँ और लो बजट में देता हूँ। तो चलो स्टार्ट करते हैं, मैं आपको स्क्रीन पर ले चलता हूँ। तो जैसा कि आप दोस्तों देख रहे हैं, ये पूरा प्लान है ओवरऑल 36x36 का, बेहतरीन सा पोर्च भी डिजाइन दिया है, ग्रिल का कॉम्बिनेशन भी बहुत ही बेहतरीन है। और यहाँ पर मैंने स्टेयर्स को ढकने के लिए ऊपर आपको गुमटी भी दी, देख सकते हैं टॉप व्यू से। तो ये थ्री साइड क्लोज्ड है, फ्रंट से ओपन है, तो मैं आपको दिखाना चाहूँगा। तो सर चले आप पोर्च का डिज़ाइन मिलता है जो कि दो पिलर पर टिका हुआ है, दोनों साइड बेडरूम्स हैं और इस पर मैंने विंडो भी दिया है प्रॉपर तरीके से वेंटिलेशन के लिए। तो चलो स्टार्ट करते हैं इसका ग्राउंड फ्लोर से। तो ये दोस्तों इसका ग्राउंड फ्लोर है ओवरऑल जो मकान का, ये पिलर उस पर एक मैंने यहाँ पर देखिएगा, ये जो लगा हुआ है प्लेट लगा हुआ है, ये आपको बेहतरीन सा देखने को मिलता है। इसके बाद स्टेयर्स के माध्यम से ऊपर जाते हैं तो आप आ जाते हैं ये पूरा पोर्च में। पोर्च से मेन एंट्री आपकी इस डोर से होती है घर में, लेकिन उससे पहले दोनों साइड बेडरूम है तो दोनों साइड मैंने डोर दे रखा है एंट्री के लिए। और इसके बाद जैसे आप मेन एंट्री करते तो आप आ जाते हैं बड़े से हॉल में, आंगन में। इसके बाद आपको दोनों कॉर्नर पर फिर से बेडरूम मिलते हैं, मतलब चार बेडरूम हो गए, दो फ्रंट कॉर्नर पर, दो बैक कॉर्नर पर, बीच में आपका बड़ा सा किचन मिल जाता है। वहीं बात करें इधर से आपकी स्टेयर्स हैं, चढ़ेंगे और उसी के नीचे लेट एंड बाथ। वहीं बात करें इस साइड तो इस बेडरूम में एक अटैच लेट एंड बाथ मैंने यहाँ पर दे रखा है, अटैच लेट एंड बाथ यहाँ पर एक और है गेस्ट रूम के लिए, और इस वाले बेडरूम में भी मैंने एक अटैच लेट एंड बाथ दे रखा है। तो ओवरऑल तीन लेट एंड बाथ बने हुए हैं। अगर आपको ज़्यादा लेट एंड बाथ की आवश्यकता है या आप किराए पर घर देना चाहते हैं अपने किराए के लिए भी, तो यहाँ पर सुटेबल मिलता है। एक किचन आपका बड़ा, बीच में आंगन। तो ओवरऑल ये आपका फ्रंट एलिवेशन, और देखिएगा मैं जूम करके आपको दिखाता हूँ चीज़ें जिसमें आपको और क्लियर हो जाए, चीज़ें और समझ में आ जाए। तो ये पूरा आपका ग्राउंड फ्लोर का बेहतरीन सा डिज़ाइन आपके सामने। और बात करते हैं इसके फर्स्ट फ्लोर एंड लास्ट फ्लोर की। तो इस पर 3.5 फुट का बाउंड्री वॉल, स्टेयर्स को ढकने के लिए गुमटी मैंने बना रखी है। फ्रंट का ग्रिल देखिएगा, बहुत ही सिंपल है, लो बजट ग्रिल है, यहाँ पर ईंटों का ही इस्तेमाल किया है, बीच में आपके कट्स पड़े हुए हैं जो कि आपके ग्रिल को एक बेहतरीन लुक देते हैं। तो ये पूरा 36x36 का प्लान बनकर आपके सामने रेडी हो जाता है। तो ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर जरूर करें। दोस्तों ये मॉडल आपको हमें कैसा लगा जरूर बताएं, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करते हैं, कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर हमारी पेड सर्विस का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो नंबर हमारा डिस्क्रिप्शन में है, व्हाट्सअप नंबर है, आप हमें कॉन्टेक्ट करें, मैं आपसे बात करके आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग घर क्रिएट करता हूँ। वहाँ पर 50% पेमेंट एडवांस देना होता है, 50% बाद में, तो उसका विशेष ध्यान रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।